नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत प्रजापति एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे डाइजेशन के टॉपिक में, पाचन तंत्र को देख रहे थे हम। तो पाचन तंत्र में आज बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जब भी भोजन के पाचन के बारे में जानकारी लेंगे तो सबसे पहले पाचन प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है, मैं आपको बता चुका था कि हम जहाँ से भोजन को ग्रहण करते हैं हमारी पाचन क्रिया वहाँ से प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि हम भोजन को खाते हैं हमारे मुख से, और मैं बता चुका था आप लोगों को कि हमारे मुख में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसमें टैलिन और माल्टोज नामक दो एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में यहाँ से मदद करते हैं। भोजन यहाँ से ग्रास नली में होता हुआ हमारे सेकेंड पार्ट में हमारे अमाशय में पहुँच जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर बॉल के माध्यम से बताया गया है कि अमाशय में भोजन आ गया था, और इसमें हमने देख लिया था कि भोजन की प्रवृत्ति कैसी थी। आगे बात करी अमाशय के बाद भोजन हमारे पास थर्ड अवस्था में या थर्ड कंडीशन पर भोजन आया हमारे पास छोटी आंत के अंदर। तो यहाँ से हम आए और ये छोटी आंत, जैसा कि ये सर्कुलर टाइप संरचना है, ये हमारी छोटी आंत को प्रेजेंट कर रही है। भोजन यहाँ छोटी आंत में आया जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर है, और इसी में ही हम पढ़ रहे थे। तो छोटी आंत के बारे में बात की जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत में जैसा कि हमने जान चुके हैं कि यहाँ पर एक प्रमुख रस था जिसे हमने नाम दिया था अग्नाशय रस। अग्नाशय रस से हमने तीन प्रमुख एंजाइम को यहाँ पर पढ़ चुके हैं, आज बात करेंगे इसके बाद आगे। छोटी आंत में भोजन की प्रवृत्ति हुई थी क्षारीय, क्यों हुई थी तो मैं आपको बता चुका था कि यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर पित्राशय उपस्थित है, इस पित्राशय से एक रस स्रवित हुआ था जिसे हम कहते हैं बाइल, या कहा जाता है इसे पित्ररस। ये पित्ररस जब भी भोजन में मिलता है तो भोजन की प्रवृत्ति को कैसा कर देता है, क्षारीय बना देता है। और इस पित्ररस का पीएच मान भी हम जान लेते हैं कितना होता है। इसके पीएच मान के बारे में बात की जाए तो इसका पीएच मान होता है लगभग 7.7, ये आपको ध्यान रखना है। तो पीएच स्केल पर मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूं कि यदि किसी भी लिक्विड का मान 7 से अधिक होता है तो उसका जो प्रवृत्ति होती है कैसी हो जाती है, हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति। तो ये कैसा है, क्षारीय प्रवृत्ति का है, जबकि भोजन में मिलेगा तो भोजन को भी कैसा बना देगा, क्षारीय प्रवृत्ति का बना देगा। अब बात करते हैं यहां पर हम कि यहां पर अग्नाशय रस के अलावा और कौन सा रस डिस्कवर होता है। तो छोटी आंत में क्या होता है, एक और प्रमुख रस डिस्कवर होता है जिसे हम कहते हैं आंतरिक रस। किस नाम से जानते हैं, आंतरिक रस। भाई हमारी आंत से निकल रहा है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, आंतरिक रस के नाम से जाना जाएगा। आंतरिक रस के बारे में बात की जाए तो टोटल यहां से कुल 5 एंजाइम निकलते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर यदि बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पर यहां पर जो एंजाइम निकलता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम जानते हैं इरेप्सिन के नाम से। तो फर्स्ट नंबर पर यहां पर डिस्कवर होता है इरेप्सिन। तो सबसे पहले जानते कि इरेप्सिन जो है एंजाइम, ये भोजन में किसको किस में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो आप लोगों ने इससे पहले जाना था ट्रिप्सिन के बारे में, जब हमारा भोजन अमाशय में था तो आप लोगों ने ट्रिप्सिन में जाना था कि ट्रिप्सिन ने क्या करा था, इसको प्राप्त हुआ था पेप्टॉन्स, और इसने पेप्टॉन्स को बदल दिया था पॉलीपेप्टाइड्स में। तो इरेप्सिन को क्या प्राप्त होगा, इरेप्सिन को प्राप्त होगा पॉलीपेप्टाइड। तो इरेप्सिन को जो पॉलीपेप्टाइल प्राप्त होता है, ये क्या करता है, इस पॉलीपेप्टाइल को छोटे छोटे टुकड़े करके इसको कन्वर्ट कर देता है अमीनो अम्ल में। तो सबसे फर्स्ट एंजाइम आपको याद रखना है इरेप्सिन के बारे में कि इरेप्सिन ने क्या करा, पॉलीपेप्टाइल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड नंबर पर यदि बात की जाए तो प्रमुख एंजाइम यहां पर होता है सेकेंड नंबर पर, और इसे हम जानते हैं लाइपेज के नाम से, जो कि आप लोग पढ़ चुके हो। लाइपेज वही कार्य करता है जो कार्य इसने प्रारंभ में किए थे। लाइपेज क्या कर रहा था, वसा के डाइजेशन के लिए कार्य कर रहा था। तो ये वसा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये वसा को कन्वर्ट कर देता है वसीय अम्लों में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसने क्या करा, इरेप्सिन को तो पॉलीपेप्टाइल को अमीनो अम्ल में बदला, इसके अलावा लाइपेज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, वसा को वसीय अम्लों में कन्वर्ट कर दिया। तीसरे नंबर पर यदि बात की जाए तो तीसरे नंबर पर यहां पर प्रमुख एंजाइम होता है लैक्टोज।
लैक्टोज के बारे में बात की जाए तो लैक्टोज जो है दूध शर्करा से हमें प्राप्त होता है, और ये क्या करता है लैक्टोज, जो शरीर में लैक्टोज होता है इस लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। तो जनरली आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा लैक्टोज के बारे में कि लैक्टोज जो है लैक्टिक शर्करा के नाम से भी जानी जाती है, दूध में पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में, और लैक्टोज जो है लैक्टोज को ही किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर आगे बात की जाए फोर्थ नंबर पर, तो फोर्थ नंबर पर हमारे पास आती है सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में बात की जाए तो सुक्रोज जो है मीठी शर्कराओं की श्रेणी में आती है। सुक्रोज जो है ये सुक्रोज को ही किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। सुक्रोज को ही किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। फिर आगे बात की जाए कि हमारे पास पांचवें नंबर पर और कौन सा होता है, तो यहां पर एक आप लोगों ने प्रारंभ में पढ़ा था माल्टोज, जो कि हमारी लार में भी उपस्थित था। माल्टोज क्या करता है, इसका भी वही कार्य, ये माल्ट शर्करा को या माल्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में ही कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारे आंतरिक रस से निकलने वाले प्रमुख पांच एंजाइम के बारे में भी हमने जानकारी ली। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या प्रमुख कार्य होता है हमारी छोटी आंत में भोजन के लिए। भोजन में ये सभी एंजाइम मिल जाते हैं जो कि अग्नाशय रस से निकलते हैं या आंतरिक रस से निकलते हैं, छोटी आंत में आकर ये सारे मिल जाते हैं। प्लस भोजन का कई बार क्वेश्चन आता है कि भोजन का वास्तविक पाचन कहां पर होता है, तो जब भी बात आती है वास्तविक पाचन के बारे में, रियल डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, वास्तविक पाचन। एक जनरली क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है कि भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, यदि भोजन के पाचन के प्रारंभ की बात है तो भोजन का पाचन हमारे मुख से प्रारंभ होता है। लेकिन यदि आपसे जानना चाहे कि भोजन का वास्तविक पाचन कहां होता है, तो भोजन का वास्तविक पाचन होता है हमेशा छोटी आंत में। समझते हैं इस बात को, वास्तविक पाचन इसका अर्थ होता है यहां पर कि भोजन का हो रहा है अवशोषण। भोजन का अवशोषण, अब अवशोषण से हम नहीं समझ पा रहे कि अवशोषण क्या है, जिसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। अवशोषण के बारे में बताया आपको गया है कि जैसा कि सभी मनुष्य भोजन खाते हैं, सभी जीव जंतु भोजन खाते हैं, तो भोजन में प्रत्येक पार्ट हमारे लिए उपयोगी नहीं है। भोजन में से कुछ मिनरल्स, कुछ खनिज पदार्थ, कुछ न्यूट्रिएंट्स, यही हमारे लिए काम के होते हैं, जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर का शारीरिक विकास करते हैं। तो क्या होता है कि छोटी आंत जितने भी हमारे शरीर से पोषक तत्व होते हैं, इन तत्वों को यहां से सेपरेट अलग कर देती है और इनको क्या कर देती है, रक्त में मिला देती है। तो भोजन का अवशोषण केवल आपको इतना सा समझना है कि जो भी पचा हुआ भोजन है, तो पचे हुए भोजन में आएंगे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, ये सभी। पचे हुए भोजन का रक्त में मिल जाना क्या प्रक्रिया कहलाएगी, अवशोषण कहलाएगी। और ये अवशोषण जो है किसके माध्यम से होगा, आपको ध्यान रखना है, छोटी आंत के माध्यम से, ठीक है। तो भोजन में से जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या करती है, सभी जो पचा पदार्थ है उसको तो किसमें मिला देगी, इस पचे भोजन को तो मिला देती है रक्त में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात की जाएगी, ठीक है, पचा हुआ भोजन जब रक्त में मिल चुका है तो जो वेस्टेज है उसका क्या होगा, वेस्टेज भोजन जो बच रहा है अपशिष्ट, अपशिष्ट भोजन, तो जो भी अपशिष्ट भोजन बच रहा है, जो शरीर के कुछ काम नहीं आएगा, इस भोजन को छोटी आंत क्या कर देती है, आगे बढ़ा देती है, और यह भोजन निकल जाता है बड़ी आंत में। जैसा कि इमेज के माध्यम से देखें हम, तो यहां पर इस इमेज में आपको बताया गया है कि हमने मुख से भोजन खाया था, आमाशय में भोजन आया, अमाशय में भोजन आया, इसके बाद हमारा भोजन यहाँ से निकल के छोटी आंत में आ गया, और छोटी आंत से अब भोजन के जाने का कहाँ पर है, मार्ग जो है बड़ी आंत में है। अब यहाँ पर बड़ी आंत में जितना भी भोजन जाएगा वो सारा का सारा भोजन कैसा होगा, अपशिष्ट भोजन होगा, वेस्टेज भोजन होगा। अब बात करते हैं कि बड़ी आंत में जब ये भोजन जा रहा है तो बड़ी आंत इस भोजन का क्या करेगी, क्या उपयोग करेगी इस भोजन का, तो देखते हैं यहाँ पर हम।
अब भोजन हमारी बड़ी आंत में आ चुका है, तो हम यहाँ पर से बात करते हैं। यहां पर ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बड़ी आंत के बारे में, जिसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत के बारे में बात की जाए, तो बड़ी आंत में अपशिष्ट भोजन आया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सबसे प्रमुख खास बात इसकी लंबाई के बारे में, कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि छोटी आंत लगभग होती है 7 मीटर की, इसी प्रकार से बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो आप लोगों को ध्यान रखना है लगभग होती है 1.52 ये होती है 1.8 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, लगभग 1.5 से लगभग 1.8 मीटर के लमसम इसकी लंबाई होती है। अब यहाँ पर जो अपशिष्ट भोजन आया है, ये अपशिष्ट भोजन का क्या करेगी, तो जब भी बड़ी आंत में अपशिष्ट भोजन आता है तो ये अपशिष्ट भोजन यहाँ से चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ यहाँ से गुदा में आ जाता है। लेकिन जब बड़ी आंत में अपशिष्ट भोजन होता है तो यहाँ पर जो जीवाणु होते हैं हमारे शरीर में उपस्थित बैक्टीरियाज, ये इस अपशिष्ट भोजन को किस में बदल देंगे, इस पूरे भोजन को बदल देंगे, ये मल में। किस में बदल दिया जाएगा भोजन को, मल में बदल दिया जाएगा, और मल में बदलकर ये भोजन आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़कर कहां पर आ जाएगा, हमारे गुदा में आ जाएगा। जिसे कहा जाता है एनस। तो गुदा या एनस में जो है हमारा भोजन आ चुका है, और यहां से भोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमने भोजन की स्टार्टिंग करी थी हमारे मुख से, और गुदा के द्वारा भोजन निकल चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारा भोजन जो है यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने पाचन के बारे में जाना, पाचन के प्रमुख चरणों के बारे में जाना। तो कैसे भोजन का पाचन हुआ, इमेज में भी हमने समझा कि सबसे पहले भोजन मुख में गया, आमाशय में आया, आमाशय से छोटी आंत में आया, फिर बड़ी आंत में भोजन आया, इसके अलावा बड़ी आंत से भोजन आया हमारे गुदा की तरफ, और यहां से भोजन क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है। जिसमें मैंने आपको बताया था प्रमुख खास बात कि भोजन का अवशोषण, तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों, कि भोजन का अवशोषण करने का कार्य किसका होगा, हमेशा छोटी आंत का होगा। अवशोषण की क्रिया विधि में आपको एक और बताना चाहूंगा कि पचे हुए भोजन का मतलब है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी का रक्त में मिल जाता भोजन का अवशोषण कहलाता है, और यह सारा कार्य करेगी छोटी आंत।